आज ये रीसेल का प्रॉपर्टी है दोस्तों, विनस्टोन प्रोजेक्ट का नाम है। आज इसी के बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूँ। मैं विकास वरनवाल, प्रॉपर्टी डीलर एंड चैनल पार्टनर, मेरा रोड मुंबई से स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। ये मेन रोड पे ही ये बिल्डिंग है दोस्तों, जो रीसेल की प्रॉपर्टी है। 2 BHK फ्लैट है ये, 12 माले की बिल्डिंग है। पहले मैं आपको एंट्रेंस लॉबी दिखा रहा हूँ, ये इसकी एंट्री है। राइट हैंड साइड पे सिक्योरिटी कैबिन है और ये पूरे बिल्डिंग की एंट्री है फ्रेंड्स। मैं आपको सिक्योरिटी कैबिन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। विनस्टोन प्रोजेक्ट का नाम है, 12 माले का बिल्डिंग है ये और 6 फ्लोर पे फ्लैट है, 5th फ्लोर पे है, 2-3 फ्लैट है इसी बिल्डिंग में। ये इस तरफ का पूरा पार्किंग स्पेस है इसका और अभी हम अंदर जाके पूरा बिल्डिंग देखेंगे किस टाइप का है। ये गार्डन है तो घुसते ही आपको गार्डन और पार्किंग का स्पेस पहले आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे ये प्रोजेक्ट है। रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी है ये। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। PNK बिल्डर हैं और उनका ही प्रोजेक्ट है ये। रेडी टू मूव है बिल्डिंग की। इटालियन मार्बल में एंट्रेंस लॉबी का काम किया हुआ। ये इसका स्टेयर केस है, 2 हाई स्पीड लिफ्ट है, फॉल सीलिंग वगैरह बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने। ये लिफ्ट के अंदर से जो फिनिशिंग है वो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। CC, BCC, BMC वाटर सब इसमें आ चुका है। टोटल टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है ये। मैं आपको 2 BHK के फ्लैट दिखा रहा हूँ, जो किस टाइप का है वो आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप डिसीजन ले सकें परचेस करने के लिए। मॉड्यूलर किचन बना हुआ है और गैस का मीटर भी लगा हुआ है, गैस पाइपलाइन आया हुआ है। ये इसका ड्राई एरिया है वॉशिंग मशीन के लिए, जहाँ आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। आगे हम पूरा फ्लैट देखेंगे दोस्तों, किस टाइप का ये फ्लैट बना हुआ है जो सेल करने का है। ये पिनाकोलो टावर के पास है, बेवरली पार्क कनकिया मीरा रोड लोकेशन में आता है ये। ₹700 स्क्वायर फुट इसका अप्रॉक्स यूजेबल कारपेट एरिया है। और अभी हम आगे इसका लिविंग एरिया देखेंगे, लिविंग डाइनिंग एरिया है ये, जिसमें मैं पूरा फिनिशिंग आपको रूफ से लेके फ्लोर तक दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्रॉपर्टी किस टाइप का है। पूरा ओपन व्यू है सामने, वेस्ट ओपन व्यू है। ये इसकी बैल्कनी है और सामने आप देख सकते हैं, आपको थोड़ी देर में सनलाइट सनसेट नज़र आ रहा है। सामने देख रहे हैं कि सनसेट नज़र आ रहा है आपको। ये पूरा वेस्ट ओपन फ्लैट है। वेस्ट ओपन फ्लैट होता है तो उसमें एयर का फ्लो और वेंटिलेशन बहुत खूबसूरत होता है। आगे हम देखेंगे इसका मास्टर बेडरूम, गेस्ट बेडरूम, वॉशरूम। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, बहुत बढ़िया ब्रांडेड एसेसरीज में काम किया है बिल्डर ने। ये वॉश बेसिन है इसका। न्यू बिल्डिंग है, अभी 2 ही साल हुआ है इस बिल्डिंग को। ये इसका गेस्ट बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम में भी बढ़िया 3 फुट की बालकनी दी हुई है, जो आप बालकनी एंजॉय कर सकते हैं। सामने पूरा ओपन व्यू है इसका। 4 विंग की प्रॉपर्टी है ये, 4 विंग का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। अभी हम मास्टर बेडरूम देखेंगे। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पे इसका टॉयलेट है, वॉशरूम है, कॉमन, दोनों कॉमन है। और उसके बाद बिल्डर ने एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया है, जहाँ पे आप ड्राई एरिया या कुछ स्टोरेज या कुछ अलग से बना सकते हैं। ये इसका ड्राई एरिया है, एक्स्ट्रा एरिया है। सुपर बिल्डअप इसका 1010 स्क्वायर फुट का है और प्राइज इसका 79 लाख नेगोशियबल है। ये इसका वार्डरोब स्पेस है बेडरूम का, और इसकी बेडरूम की जो बालकनी है वो कॉर्नर बालकनी है, एल टाइप की बालकनी है। इस प्रोजेक्ट में इस टाइप के 2-3 फ्लैट सेल के लिए हैं, तो आप आइए, हम आपको परचेस कराने में पूरी हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। नई बिल्डिंग है PNK बिल्डर का, रेडी टू मूव है।
आप परचेस करके रहने आ सकते हैं। ये फ्लैट के अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू है। मैं आपको अब हम नीचे स्टेयरकेस और गार्डन देखेंगे। ये मैं स्टेयरकेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टेयरकेस है और ये इसका पैसेज है, यहाँ पे दो हाई स्पीड लिफ्ट लगी हुई है। ये मैं एंट्रेंस लॉबी से बाहर जाते ही चार विंग चारों साइड हैं और बीच में ये स्पेस है जहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग, फोर व्हीलर पार्किंग एंड ये बॉक्स फुटबॉल पिच है। ये जो नेट लगा हुआ है चारों साइड, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं अंदर खेल के। ये पूरा इनका पार्किंग एरिया है। ये बिल्डिंग का एलिवेशन है जो बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। चारों बगल से, चारों तरफ से खुला खुला व्यू है इसका। अभी मैं आपको गार्डन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये इसका गार्डन है जिसमें ये ओपन सीनियर सिटीजन एरिया है, सिटिंग एरिया है। ये इसका पूरा ग्रीन ग्रास एरिया है और आगे हम लोग एम्फीथिएटर भी देखेंगे इसका। ये शावर भी इन्होंने बनाया है बिल्डिंग के शो के हिसाब से। $79 लाख इसका नेगोशिएबल प्राइस है। आप आइए, जैसा आपका पेमेंट होगा उस तरह से हम बात करके इस डील को क्लोज कर सकते हैं। ये इनका एम्पी थिएटर एरिया है जहाँ कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं ओपन स्पेस। अब मैं प्रॉपर्टी टिप्स की बात करता हूँ जो हर एक प्रोजेक्ट में मेरा रहता है और बहुत ही काम की रहती है। आज का जो प्रॉपर्टी टिप्स है दोस्तों, वो मैं बताना ये चाह रहा था कि बहुत कुछ स्टडी करने के बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आज के डेट में देखें तो कभी नुकसान वाली हो ही नहीं सकती है। बिकॉज़ मैं आप देख सकते हैं, आप जानते भी हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, बट जो ज़मीन है, लैंड है, वो सेम है, वो बढ़ने वाली नहीं है, वो सेम ज़मीन है। तो आप यूँ जान सकते हैं कि जब लोग बढ़ेंगे ज़मीन उतनी ही रहेगी, तो ऑटोमेटिकली डिमांड आएगा और आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करें कभी आपको लॉस नहीं हो सकता। हाँ, एक बात है कि जब कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्राइसिस आ जाए या कोई इन्वायरमेंट के कुछ ऐसा बन जाए, तो ये हो सकता है कि साल, डेढ़ साल, दो साल के लिए जो पीरियड है, जो उस टाइम जो मुसीबत की घड़ी होती है, उस टाइम प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो स्टे हो सकता है। तो उस टाइम थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, एक दो साल, तीन साल के लिए। फिर प्रॉपर्टी का हाइक आपको ऑटोमेटिकली मिलने ही वाला है क्योंकि उसका नेचुरल रीज़न है कि लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पूरी दुनिया की आबादी बढ़ रही है, बट ज़मीन उतना ही है, तो मिलने ही वाली। भले वो क्राइसिस या वो गवर्नमेंट का तरफ से हो या कोई इन्वायरमेंट की तरफ से हो या ऐसे जैसे COVID-19 है, इसके कारण एक डेढ़ साल के लिए प्रॉपर्टी का मार्केट, मीरा रोड की बात करें तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज बहुत से जगह पे प्रॉपर्टी का मार्केट टूटा है और प्राइस डाउन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट ऐसा बन गया। तो इस टाइम में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। दूसरा रास्ता बताऊं दोस्तों प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़िया है, क्योंकि सपोज आप अगर सोना खरीदते हैं, 10 तोला सोना अगर आपने 5 लाख रुपए का खरीदा या 100 ग्राम सोना आपने, कितना भी कोई भी जो एक रेस्ट अमाउंट लगाया आपने, 40 लाख 50 लाख जो भी लगाया, और उस सोने को खरीद के आपने रख दिया तो वो बेनिफिट आपको तभी देगा जब आप उसको बेचने जाएंगे। उससे आपको कोई मंथली इनकम नहीं आने वाला है। पर दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप रेडी लॉक एंड की प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो अगर आपको सर्वाइव करने के लिए कोई बिजनेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो आप उस प्रॉपर्टी को परचेस करके रख लिए, उसको रेंट आउट कर दिए। रेंट आउट अगर आप करते हैं तो एक मंथली सर्वाइव करने के लिए आपको रेंट भी आना शुरू हो जाता है, और जब कभी 5-10 साल के बाद आप उसको बेचेंगे तो आपको एक अच्छा हाइक भी मिलेगा, अच्छा एक एप्रिसिएशन भी मिलेगा, अच्छा कमा के निकलेंगे दोस्तों। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसमें कुछ आपको मेहनत नहीं करना है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर आप कोई ट्रेडिंग शेयर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको नॉलेज चाहिए पूरी चीज़ों का। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसमें कभी बहुत नुकसान हो सकता है, बिकॉज़ वो घटता बढ़ता टूटता भी करता भी रहता है, बनता भी है। बट प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपने परचेस कर लिया तो वहाँ आपको रेंटल इनकम भी आता रहेगा, एप्रिसिएशन भी आता रहेगा, और उसमें जो कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने परचेस किया, रजिस्ट्रेशन करवा लिए, एग्रीमेंट अपने घर पे रख लिए, उसके बाद वो रेंट मंथ के मंथ आता रहता है। ये तो दोस्तों प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे टिप्स है जो काफ़ी लोगों के नॉलेज में नहीं है, जिसके कारण वो कहीं भी पैसा डाल देते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का कभी भी कोई भी दिमाग में आइडिया आए, अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा आए, तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ ऐसा जगह जहाँ एप्रिसिएशन भी हो, डिमांड भी हो, रेंटल डिमांड भी हो, ताकि आपका प्रॉपर्टी कब में लगाया हुआ पैसा कहीं वेस्ट ना हो। दोस्तों हमारी सर्विसेज की बात करें फ्रेंड्स, तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी हेल्प करेंगे आपको दिलाने में। अगर आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो हमारे सारे बैंकों से टाई अप है, हमारे पर्सन आपके घर तक आएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके लिए हमारे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। आपको होम सर्विस वो देंगे, सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस करेंगे, और आपको लोन दिलाने में भी मदद करेंगे। दोस्तों हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल और बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। कभी कभी रीसेल में प्रॉपर्टी 5-5, 10-10 लाख रुपए डिस्काउंट पे आता है, और बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी तो सीधे 30-40% डिस्काउंट पे भी आता है। कभी जो बिल्डर लॉन्च करते हैं प्रॉपर्टी तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, कभी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं लगता, कभी स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, तो कभी फ्लोराइज डिस्काउंट होता है, कभी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट होता है। तो इस टाइप की जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, मैं हमेशा अपने YouTube चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, ताकि हमारे कस्टमर्स को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे बायर्स को उसका डायरेक्टली बेनिफिट मिल सके। दोस्तों तो अगर आप सबसे पहले हमारा ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं प्रॉपर्टीज़, तो हमारा ये YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन, कुछ भी वीडियोस डालें या कोई भी मैसेज डालें, पोस्ट डालें, तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें, आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकें। दोस्तों आप व्हाट्सएप पे अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सएप पे हैं, तो आप आपका लोकेशन रिक्वायरमेंट और आपका नाम हमें व्हाट्सएप पे पिंग कर दें, ताकि जब भी हमारे पास ऐसी कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी होती है तो हम अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर लेंगे, और जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी फ़ायदे वाली आती है तो हम अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू शेयर भी करते रहेंगे, ताकि सबसे पहले आपको मिले और आप उसका बेनिफिट ले सकें, कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, इंटरटेनिंग लगता है साथ ही साथ, तो हमारे इस वीडियो को वायरल करें, शेयर करें अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी अगर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो और परचेस करना हो तो वो भी हमें कॉल कर सके और हम उनको भी प्रॉपर्टी दिलाने में, लोन दिलाने में, होम लोन करवाने में हेल्प कर सकें। दोस्तों फ्रेंड्स काफ़ी लोग हमें जो कॉल करते हैं ऐसे टाइम पे कॉल कर देते हैं, जिसके लिए हम बहुत शर्मिंदा रहते हैं और हमें अफसोस होता है, उनको हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। तो आप कभी भी विजिट करें तो सुबह 11 से लेकर 6:30 के बीच में, 6:30 बजे शाम के बीच में करें, और कॉल करें तो सुबह 10 से लेकर 7 बजे शाम के अंदर करें, ताकि हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से आऊँगा एक नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार दोस्तों।